The earthquake is a form of energy of wave motion transmitted through the surface layer of the earth in widening circles from a point of sudden energy release, the focus. Now don't worry about that, मैं चतुर की तरह नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं previous के rancho की तरह parenthesis up down करके बताऊंगा, don't worry about that. But before moving to what is earthquake, let's talk about why earthquake. Let's talk about the why of the earthquake. I'm not asking that why the earthquakes exist, I'm not talking about existentialism of earthquakes. I'm talking about why earthquake in UPSC syllabus. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि तुमने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर ली है, यू आर यू गेट इनटू आईएएस एंड यू आर अपॉइंटेड एज डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली उस डिस्ट्रिक्ट में देयर इज एन अर्थक्वेक, अ कैलामिटी कॉल्ड एज अर्थक्वेक. तो टू मैनेज दैट एज अ एज एन आईएएस ऑफिसर यू विल हैव टू यू विल बी हैविंग टू मैनेज द कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर. यू विल बी द हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. ओके, so to manage that calamity or disaster, you should be knowing about the disaster. I'm not talking about in-depth knowledge, but thoda bahut to pata rehna chahiye na, which is why we are studying earthquakes, which is why this UPSC has included earthquakes in the syllabus. In fact, all the disasters in the syllabus, we are talking about earthquake today. Okay, now after discussing why earthquake, let's move on to the what. What is earthquake? अब अर्थक्वेक को समझने के लिए तीन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, तीन मेजर टर्म्स. वन इज फोकस, सेकंड इज सिस्मिक वेव्स एंड थर्ड इज एपिसेंटर. ये तीन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है. ये एक फ्लोचार्ट की तरह, मतलब फोकस है तो सेस्मिक वेव्स होगा, सेस्मिक वेव्स है तो एपिसेंटर होगा. ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली इज फोकस? लेट अस इमेजिन और लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द अर्थ सरफेस. Now somewhere around here there will be focus. Now what is focus? Focus is a point where the earthquake is generated. ठीक है, a focus क्यों form हुआ वो हम causes of earthquakes में देखेंगे, अभी आएगा थोड़ी देर. ठीक है, सबसे पहले focus form होगा, a focus form होगा तो वहां से earthquake generate होगा. तो earthquake generate होने के लिए क्या forms होंगे? Seismic waves form होंगे. There will be seismic waves around focus. And the point where the seismic waves touch the earth surface, this point is called as epicenter. This is the point where the earthquake takes place. जहां जहां seismic wave पहुंचेगा earth surface पे, वहां वहां तुमको earth पे पाया जाएगा. ठीक है, ये समझ में आया? तो मतलब कोरिलेशन देखो आप इस चीज का, दिस आर सेस्मिक वेव्स. ठीक है, एपिसेंटर फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है? सेस्मिक वेव्स होना. और सेस्मिक वेव्स किससे फॉर्म हुआ? फोकस की वजह से. ठीक है, समझ में आया? फोकस की वजह से सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स की वजह से एपिसेंटर. ये रिलेशन समझ में आया अभी? ठीक है, मोस्टली फोकस देखा जाएगा तो वेरिंग डेप्थ में होता है. मतलब कभी 2 से 3 किलोमीटर डेप्थ पे होगा अर्थ सरफेस के, तो कभी 20 से 30 किलोमीटर के डेप्थ पे होगा अर्थ सरफेस के. यू कैनॉट प्रेडिक्ट द फोकस कि हाँ इतने ही डेप्थ पे आता है या फिर इतने ही डेप्थ के ऊपर या नीचे रहता है. यू कैन नॉट फोकस. उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, द बिहार नेपाल अर्थक्वेक. द बिहार नेपाल अर्थक्वेक इन 1988, वहां पे फोकस था 20 से 30 किलोमीटर डीप पे. ठीक है, 20 to 30 किलोमीटर डेप्थ पे बिहार नेपाल अर्थक्वेक था 1988 हुआ. ओके, तो वेरिंग है, कभी 2 से 3 भी रह सकता है, कभी 20 से 30 भी रह सकता है. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. ठीक है, ये समझ में आया? फोकस, सेस्मिक वेव्स एंड एपिसेंटर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉजेस. फाइन, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक.
ये फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। फर्स्ट फॉर दिस सेकेंड इज फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, थर्ड इज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस एंड लास्ट इज फोर्थ इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अरे ये तो चारों एक साथ आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, एक एक पढ़ के अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वोल्केनिसिटी, ठीक है, एंड व्हाई वोल्केनिसिटी कैन लीड टू अर्थक्वेक। ओके, तो वोल्केनिक इरप्शन तो तुम लोगों को पता होगा, ज्वालामुखी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब वोल्केनिसिटी और अर्थक्वेक का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, मतलब करण अर्जुन वाला संबंध है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इतना संबंध है, ठीक है। तो वोल्केनिसिटी की वजह से अर्थक्वेक क्यों होगा? लेट अस अंडरस्टैंड वोल्केनिसिटी, दिस इज द अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो जहां पे एक्टिव वोल्केनोस होता है ना, तो उस अर्थ के सर्फेस के नीचे विल फाइंड सम डेंजरस डिजास्ट्रस गैसेस, ठीक है। वो गैसेस का कंपोजिशन वगैरह हम लोग डेप्थ में वोल्केनो वोल्केनोस जब पढ़ेंगे, वोल्केनिसिटी जब पढ़ेंगे अलग से, तब समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि अर्थ सर्फेस के नीचे देयर आर डिजास्ट्रस गैसेस, ठीक है, जहां पे एक्टिव वोल्केनोस है हर जगह नहीं, ठीक है, जहां पे है तो दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इरप्ट आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस। मतलब जब तक उनके पास स्पेस है, वो वॉल्यूम है इकट्ठा रहने के लिए, तब तक वो रहेंगे खुशी से जमीन के नीचे। बट जैसे ही उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जैसे ही उनको बढ़ने के लिए या फिर मूवमेंट के लिए जगह नहीं बचेगा, व्हाट दे विल डू, दे विल फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो एक ही वे है, वो कौन सा वे है? ऊपर का, ठीक है। तो अर्थ सर्फेस से वो इरप्ट हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनोस और वोल्केनिसिटी, ठीक है। प्रोसेस इज कॉल्ड एज वोल्केनिसिटी। अब तुम ये समझ लो कि जब अर्थ सरफेस से ये बाहर निकल रहे हैं, तो अर्थ सरफेस क्रैक्स आ रहे हैं, उसमें फट रहा है, जमीन फट रही है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज जमीन फटना? अर्थक्वेक। जमीन फटने की वजह से अर्थक्वेक ही होगा ना। देयर विल बी अ बिग ब्लास्ट, जब मॉल्टन लावा बाहर निकलेगा वो बड़ा ब्लास्ट होगा, जमीन हिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थक्वेक। कैन वी से दैट? हो सकता है ना। नाउ कैन वी से दैट इसका वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है, मतलब अर्थक्वेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्केनिसिटी, ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है नहीं, होगा, है, हो चुका है, पता तो होगा। दिस इज अ एक्टिव वोल्केनो प्लेस, ठीक है, यहाँ पे गैसेज है, हंसी खुशी रह रहे, उनके पास इनफ स्पेस है बाहर निकलने की, उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे जगह पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक फोकस फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक फोकस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये फोकस क्या करेगा? सेस्मिक वेव जनरेट करेगा। अब ये सेस्मिक वेव्स की वजह से हुआ ये कि ये गैसेस में भी डिस्टर्बेंसेस आ गए, ये गैसेस भी मूव करने लग गए, ठीक है। तो उसके वजह से ज्यादा कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रेडिफ्रैक्शन हुआ कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो अभी ये गैसेस बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, अभी जब तक जगह काफी थी तब तक खुश थे, लेकिन अभी जगह कम हो गई तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अर्थक्वेक की वजह से हुआ ये वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्केनिसिटी। अगर वोल्केनोस फॉर्म हुए तो अर्थक्वेक फॉर्म होंगे, अर्थक्वेक फॉर्म हुआ तो शायद वोल्केनोस भी फॉर्म हो सकते हैं। समझ में आया ये वोल्केनिसिटी वन ऑफ द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। इसका एग्जाम्पल लिख लो, क्रैकेटॉक वोल्केनो,
क्रैकेटोआ वोल्केनो बिटवीन जावा एंड सुमात्रा, ठीक है, जावा एंड सुमात्रा के बीच में क्रैकेटोआ वोल्केनो हुआ था और उसके वजह से 12,800 किलोमीटर दूर केप हॉर्न में, विच इज इन चिली, ठीक है, केप हॉर्न इज इन चिली, वहां पे तुमको अर्थक्वेक पाया है, मतलब वोल्केनो कहा हुआ जावा एंड सुमात्रा के बीच में और 12,800 किलोमीटर दूर तुमको अर्थक्वेक मिला, ठीक है, दिस प्रूव दैट वोल्केनिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थक्वेक, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिख लिया, समझ में आया वोल्केनिसिटी पूरा डिटेल में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉज ऑफ अर्थक्वेक विच इज फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, तुमको मैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेट अस कंसीडर दिस पेज, ये पेज है, इसका एक स्पेसिफिक मास है, एक वॉल्यूम है, एक एरिया कवर करके रखा है इस पेज में, ठीक है, तो अब इसको इस पे मैं प्रेशर डालता हूँ दोनों बाजू से, ठीक है, प्रेशर डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, एक हद ऐसा आएगा कि इस ये पेज में क्रैक्स फॉर्म होंगे, फोल्डिंग्स फॉर्म हुई, ये फोल्डिंग्स है ना, दिस आर फोल्डिंग्स, फोल्डिंग्स फॉर्म हो रही है, क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, ट्रेमर्स फॉर्म होंगे और सरफेस पे ट्रेमर्स फॉर्म होंगे ना, और वो ट्रेमर्स मतलब क्या है, दो सर अर्थक्वेक्स, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस अज्यूम कि तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, ठीक है, तुमने बाकायदा एक बर्थ रिजर्व करके रखा, दिन का टाइम है, तुम सो नहीं रहे हो, तो ऊपर के दो बर्थ वाले भी तुम्हारे साथ आके नीचे में बैठे होंगे, ठीक है, एक स्टेशन आता है वहां पे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं है और वो बोलते हैं कि भैया थोड़ा एडजस्ट करो, तो तुम बोलोगे ठीक है भैया और एक आदमी बैठो, ठीक है, फिर एक आदमी ने आके बोला भैया थोड़ा एडजस्ट करो, तुमने कहा चलो ठीक है यार 5 लोग तो बैठ ही सकते हो बस पे, सारे दुबले पतले मोटे वाले, ठीक है 5 लोग तो बैठ ही सकते हैं, तो उसके बाद एक और आदमी आया, उसने तुमको बोला कि भैया थोड़ा एडजस्ट करो, तो तुम करोगे क्या, नहीं करोगे ना, उसी तरह इस पेज के साथ भी वही हुआ, ठीक है, जब तक वो मतलब जहां तक वो बेंड हो सकता था, जहां तक वो इलास्टिसिटी मेंटेन कर सकता था तब तक उसने की, जैसे वो इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो गई क्या हुआ, फोल्डिंग्स क्रिएट हुए, क्रैक्स फॉर्म हुए, फॉल्टिंग आए, दोस क्रैक्स आर नथिंग बट फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, और उस फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग की वजह से बोला अर्थक्वेक। एक थियरी है एच एफ रीड ने, आपकी दी हुई एक थियरी है विच इज कॉल्ड एज इलास्टिक रिबाउंड थियरी। अब ये इलास्टिक रिबाउंड थियरी क्या कहती है कि अर्थ सरफेस के नीचे के जो पार्टिकल्स है या फिर रॉक्स है या फिर पैलेट्स है या स्टोन्स है, दोज आर रबर लाइक, दोज आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक है, तो तुम उसको पुश और पुल करोगे ना, स्ट्रेच करोगे ना, तो वो होंगे आसानी से, ठीक है, लेकिन एच एफ रीड साहब ने एक और चीज ये बताई कि उसका भी एक लिमिट है, उनकी इलास्टिसिटी का भी एक लिमिट है, वो कितने भी पुल या स्ट्रेच नहीं हो सकते, उनका भी एक लिमिट है, तो जब वो लिमिट खत्म हो जाता है तब होता है अर्थक्वेक। समझ में आया सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कॉज ऑफ अर्थक्वेक, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। Now let's move on to third cause, which is anthropogenic causes. What does the term anthropogenic mean? Anthropogenic means humans, human beings, caused by humans. ठीक है, इंसान के वजह से होने वाले causes, इंसान के वजह से होने वाले earthquakes. इंसान के वजह से कैसे earthquakes होते हैं? ठीक है, तो let us consider कि तुमको किसी country पे attack करना है, किसी country पे तुमको बॉम्ब डालना है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है। आई एम नॉट लाइक प्रोमोटिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी टू एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करोगे, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डालोगे। अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से होगा ये कि ट्रेमर्स फॉर्म होंगे, अर्थ ट्रेमर्स फॉर्म होंगे, कहीं पे फोकस जनरेट होगा, उस फोकस की वजह से सेस्मिक वेव्स निकलेंगे और उन सेस्मिक वेव्स की वजह से बनेगा एपिसेंटर, और वो एपिसेंटर क्या है, वो जगह जहां पे अर्थक्वेक हुआ, द प्लेस वेयर अर्थक्वेक टूक प्लेस, ठीक है, तो ये हो गया एंथ्रोपोजेनिक कॉज, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हुआ अर्थक्वेक इज एन एंथ्रोपोजेनिक कॉज। अब इसका एक और एग्जांपल है एंथ्रोपोजेनिक कॉज का, विच इज माइनिंग।
ठीक है, माइंस जब तुम खोदते हो कोयले के लिए, कोयले की खदान खोदते हो, डायमंड्स के लिए, गोल्ड्स के लिए, अदर मेटल्स के लिए, ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, तुम ब्लास्ट करते हो अर्थ के अंदर, टनल्स फॉर्म करके उसके अंदर बॉम्ब्स लगा के तुम ब्लास्ट करते हो ना। अब वो ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ, दैट ब्लास्ट एग्जैक्टली इज योर फोकस, वो जो ब्लास्ट है दैट इज आर्टिफिशियल फोकस, और उस फोकस की वजह से क्या हुआ, सेस्मिक वेव्स फॉर्म हुआ फिर से, और उन सेस्मिक वेव्स से फिर से एक बार एपिसेंटर फॉर्म हुआ और अर्थक्वेक हुआ। समझ में आया एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स है, ड्रिलिंग, ऑयल के लिए ड्रिलिंग करना, ठीक है, पंपिंग वाटर के लिए बहुत ज्यादा डीप पंपिंग करना, ठीक है, दीज आर ऑल एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। समझ में आया एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से अर्थक्वेक कैसे हुआ समझ में आया सबको, ठीक है। So now let's move on to the fourth cause, which is plate tectonic theory. वैसे तो plate tectonic theory बहुत ही ज़्यादा deep topic है, मतलब it would take another session to understand plate tectonic theory. पर अभी earthquake का ये cause कैसे बना उसको समझने के लिए थोड़ा सा basic information तुमको मैं इस session में दे देता हूँ, बाकी plate tectonic theory हम लोग अगले session में या फिर दूसरे किसी session में detail में पढ़ेंगे। So now let us consider कि अभी हमारे पास अर्थ पे सिक्स मेजर प्लेट्स है, ठीक है, देयर आर सिक्स मेजर प्लेट्स ऑन द अर्थ सरफेस। फर्स्ट इज यूरेशियन, सेकेंड इज अंटार्कटिक, थर्ड इज अफ्रीकन, fourth is American, fifth is Pacific, and sixth is Indian. Now these are six major plates. इनके अलावा there are 20 minor plates. There are 20 minor plates. अब ये इतने important नहीं है हमको पढ़ने के लिए। Let us consider कि ये छह important है, ठीक है? इसको भी अभी ये session में हम लोग नहीं समझेंगे, इसको हम लोग plate tectonic theory जब detail में देंगे तब समझेंगे। अब इतना समझ लो कि ये छह plates है, ठीक है? और plate tectonic theory क्या कहता है कि these six plates along with these 20 minor plates, these are constantly moving, constantly move कर रहे हैं। I'm not talking about moving, मतलब बहुत ज्यादा मूव नहीं हो रहे, गाड़ी की रफ्तार से मूव नहीं हो रहे, हल्का हल्का बहुत ही स्लोली स्टेडली दे आर मूविंग। और कहा यह जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक, आज जो हम लोग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, दोज आर द रीजंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। पहले ये कॉन्टिनेंट्स का शेप अलग था, साइज अलग था, मतलब अफ्रीका कहीं और था, अमेरिका कहीं और था, ये यूरेशिया या फिर एशिया, सदर्न एशिया, पैसिफिक, ये कहीं और था, सब अलग अलग अपनी अपनी जगह पे अलग थे, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के वजह से, कॉन्स्टेंटली मूव होने के वजह से आज जो हम लोग कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं वो उसके वजह से, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से। तो ये आज भी मूव हो रहे, ऐसा नहीं हुआ कि उनका मूव होना बंद हो गया, दे आर स्टिल मूविंग। तो व्हाट विल हैपन व्हेन टू और मोर प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, मतलब ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, वो दोनों मूव हो रहे काफी सालों से, हजारों लाखों साल बीत गए और ये आगे पास में, ठीक है, आगे पास में, और जब ये कोलाइड होंगे एक दूसरे से क्या होगा, अर्थ सरफेस में ट्रेमर्स फॉर्म होंगे ऑब्वियसली, और ट्रेमर्स फॉर्म होने की वजह से क्या हुआ, अर्थक्वेक, ठीक है। समझ में आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से अर्थक्वेक कैसे फॉर्म हुआ, कोई डाउट है इसमें, और कुछ बताना है, नहीं, श्योर, ओके। तो समझ में प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक, ये चार प्रोसेस डीपली समझ में आया, वोल्केनिसिटी, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ओके ओके, देन दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।